आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की। इसे मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार भी इसी में दिया गया। इसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधान मंडल को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। और 7th है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, अंगल भारतीयों, ईसाइयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया। थैंक यू।